आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी 40 साल पहले जेब में चार सौ उन्नीस रुपए पच्चीस पैसे लेकर ये मुंबई आए थे फिल्म एक्टर बनने के लिए इन 40 सालों में काम किया नाम भी बनाया और सरनेम तो बवाल मचाने वाला है क्योंकि इनका जो सरनेम है उस सरनेम की फैमिली फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फैमिली कहलाती है यानी कि कह सकते हैं बड़ा नाम है बड़ा काम है और एक्सपीरियंस भी चालीस साल का है इसके बावजूद ये आज भी अपने आप को इंडस्ट्री में स्ट्रगलर मानते हैं और कहते हैं कि खूबसूरत नहीं हूं इसीलिए आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है वरना तो किसी फिल्म में हसीन हीरोइन के साथ रोमांस करता और कब का स्टार बन जाता बात करेंगे विकी डोनर जॉली एलएलबी, ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों में शानदार किरदार निभाने वाले एक्टर अनु कपूर की अनु कपूर की जिंदगी से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी अनु कपूर को चाय बेचकर गुजारा करना पड़ा था क्यों जिस विकीडोनर फिल्म ने अनु कपूर को नेशनल अवार्ड दिलवाया उस फिल्म से वो नफरत करते हैं और कैसे अनु कपूर ने प्रियंका चोपड़ा पर लगाया इल्जाम कि मैं हैंसम नहीं था इसीलिए प्रियंका ने मुझे किस करने से मना कर दिया 20 फरवरी 1956 को अनु कपूर का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था घरवालों ने इनका नाम अनिल कपूर रखा था अनु कपूर के पिता मदन लाल कपूर एक थिएटर चलाया करते थे उनका थिएटर जगह जगह ट्रैवल करता था और परफॉर्मेंस देता था पारसी थिएटर इस ग्रुप का नाम था अनु कपूर की मदर की बात करें तो वो बंगाली थी कमला उनका नाम था उर्दू सिखाया करती थी और क्लासिकल डांसर थी अनु के दो भाई हैं रंजीत कपूर और निखिल कपूर दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में राइटर डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं और उनकी बहन है सीमा कपूर जो खुद भी एक एक्ट्रेस है अनु कपूर का बचपन बेहद गरीबी में बीता अनु कपूर ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी मदर महीने भर उर्दू पढ़ाया करती थी और सैलरी सिर्फ चालीस रुपए मिलती थी उस दौरान घर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था बचपन गरीबी में बीता इनिशियली जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो सोचते थे कि वो आई ऑफिसर बनेंगे लेकिन जिस तरह की गरीबी उन्होंने देखी दसवीं क्लास के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ने के बाद पिता के काम में वो हाथ बटाने लगे वो पिता के साथ थिएटर करने लगे इसी दौरान अनु कपूर के बड़े भाई रंजीत ने एन ज्वाइन किया और अपने भाई के ही कहने पर अनु कपूर ने भी एनएसडी ज्वाइन कर लिया एक्टिंग में परफेक्शन लाने के लिए में काम करने के दौरान अनु कपूर ने कई सारे प्लेस किए और ऐसा ही एक प्ले ईयर 1981 में उन्होंने किया था और उस प्ले ने उनकी जिंदगी बदल दी थी ये प्ले था एक रुका फैसला और इस प्ले में अनु कपूर ने सत्तर साल के बूढ़े आदमी का किरदार निभाया था तब अनु कपूर की उम्र बहुत कम थी और इस उम्र में उन्होंने जब सत्तर साल के आदमी का किरदार निभाया तो वहाँ पर मौजूद लोगों को अनु कपूर की एक्टिंग बहुत पसंद आई उन लोगों में श्याम बैनेगल भी थे और श्याम बैनेगल उस दौरान मंडी फिल्म बना रहे थे उन्होंने मंडी फिल्म में अनु कपूर को एक छोटा किरदार दिया अनु कपूर का किरदार इस फिल्म में छोटा ज़रूर था लेकिन उन्होंने इस किरदार से अपनी छाप छोड़ दी और तब से किरदारों के जरिए छाप छोड़ने की ये जो आदत उनकी शुरू हुई वो आज तक कायम है अनु कपूर ने आगे चलकर बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों में उनके रोल्स छोटे हुआ करते थे बट जितने भी रोल्स थे सबसे उन्होंने छाप छोड़ी मंडी फिल्म के बाद जैसे अनु कपूर के पास फिल्मों का मेला सा लग गया कई सारी फिल्मों में वो वो हमें सपोर्टिंग रोल्स करते नजर आए जिसमें मशाल मशाल दिन राम लखन कई बड़ी फिल्में शामिल है इनफैक्ट फिल्म का तो एक ऐसा किस्सा है जो अनु कपूर और अनिल कपूर दोनों को बहुत खास बनाता है मैंने आपको बताया था कि अनु कपूर का रियल नेम अनिल कपूर है अनिल कपूर नाम बदलकर उन्होंने अपना नाम अनु कपूर क्यों रखा इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मशाल फिल्म में अनिल कपूर भी थे और अनु कपूर भी थे जब काम पूरा हो गया तो सभी आर्टिस्ट को को उनके चेक्स दिए गए अनु कपूर को भी उनका चेक मिला लेकिन चेक पर जो अमाउंट उन्होंने देखा वो अमाउंट देखकर वो चकरा गए क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा पैसा मिला था जिस तय कीमत में उन्होंने इस फिल्म को करने की बात कही थी एक्चुअली मशाल फिल्म में अनु कपूर का छोटा सा रोल था और इस रोल के लिए उन्हें चार रुपए मिलने थे बट जो चेक आया वो दस हजार रुपए का आया चेक पर अमाउंट ज़्यादा था फिर भी अनु कपूर ने वो चेक रख लिया क्योंकि उस टाइम उनको पैसों की जरूरत थी इसीलिए उन्होंने प्रोडक्शन से चू तक नहीं कहा कि मुझे ज़्यादा अमाउंट का चेक मिला है बाद में अनु कपूर को ढूंढते हुए प्रोडक्शन वाले आए क्योंकि जो चेक अनु कपूर को मिला था वो चेक उनका नहीं था वो अनिल कपूर का था अनिल कपूर ने मशाल फिल्म को दस हजार में किया था तो अनिल कपूर वाला चेक अनु कपूर को चला गया था और अनु कपूर वाला चेक अनिल कपूर को चला गया था चार हजार रुपए का इंसिस्ट करने पर अनु कपूर ने अपना नाम अनिल से बदलकर अनु कपूर रख दिया अनु कपूर टैलेंटेड थे एक्टिंग की उनके अंदर बहुत भूख थी लेकिन ये इंडस्ट्री ना लोगों को टाइपकास्ट करने लगती है एक फिल्म में अगर थानेदार का रोल कर दिया तो बाकी सब में ऐसे ही रोल्स मिलेंगे ऐसा ही कुछ अनु कपूर के साथ भी हो रहा था फिल्मों ने उन्हें बस कैरेक्टर आर्टिस्ट बनाकर रख दिया था अनु कपूर इस चीज से बोर हो गए थे और तभी आया टीवी इंडस्ट्री का बूम ईयर 93 में प्राइवेट चैनल पर शुरू हुई अंताक्षरी और अंताक्षरी के लिए एज अ होस्ट के रूप में अनु कपूर को चूज किया गया और यहां से उन्होंने अपने करियर की दिशा को नया टर्न दिया अंताक्षरी में एज ए होस्ट लोगों को खूब पसंद आए और शो 93 से 2006 तक चला था अनु कपूर एक्टर एंकर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे रेडियो जॉकी भी है उन्होंने बिग एफएम के लिए एक शो किया था सुहाना सफर विद अनु कपूर और इस दौरान जो किस्से उन्होंने बताए वो लोगों को बहुत पसंद आए अनु कपूर कई बार अपने स्टेटमेंट से बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी खड़ी कर चुके हैं अनु कपूर ने एक टाइम पर कहा था कि प्रियंका चोपड़ा ने मुझसे रोमांस करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैं हैंसम नहीं था अगर मैं भी बड़े स्टार्स की तरह हैंसम होता तो शायद प्रियंका मुझसे रोमांस करने के लिए मना नहीं करती अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनु कपूर प्रियंका चोपड़ा के साथ सात खून माफ फिल्म कर रहे थे और तभी अनु कपूर के साथ प्रियंका चोपड़ा को एक इंटीमेट सीन करना था लेकिन प्रियंका ने अनु कपूर को रोमांस करने से मना कर दिया इस बात पर प्रियंका का कोई जवाब नहीं आया लेकिन हाँ कपूर ने तब बहुत सुर्खियाँ बटोरी थी इतना ही नहीं बात करें अगर फिल्म विकी डोनर की जिसमें अनु कपूर का रोल बहुत अहम था डॉक्टर चंडा का किरदार उन्होंने निभाया था बहुत ही अतरंगी किरदार था ये और बहुत ही हंसा देने वाला किरदार था इस किरदार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का लेकिन इस फिल्म से वो खुश नहीं थे अनु कपूर का कहना था कि जब हम फिल्म शूट कर रहे थे तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रोडक्शन का व्यवहार भी बहुत अच्छा था लेकिन जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी और फिल्म का प्रमोशन चला तो हमें ऐसा साइडलाइन किया गया महसूस करवाया गया कि उनका ध्यान सिर्फ एक्टर पर है यानी कि आयुष्मान खुराना पर ही वो खेलना चाहते हैं बाकी हम तो फिल्म के लिए कुछ है ही नहीं अनु कपूर ने जब इंडस्ट्री में 38 साल पूरे कर लिए तब उन्होंने एक बेहद इमोशनल पोस्ट डाली जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था उन्होंने कहा था कि 38 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं मैं 29 जून 1982 को जेब में चार सौ उन्नीस पच्चीस पैसे लेकर चला था और इतने साल इंडस्ट्री में गुजारने के बावजूद आज मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ अनु कपूर का कहना है कि जिस तरह के रोल्स वो करते हैं उसमें मेहनत बहुत है और पैसा बहुत कम है उन्हें भी घर चलाना होता है इसीलिए कई बार उन्होंने ऐसे भी रोल्स एक्सेप्ट किए हैं जिसमें उनका मन नहीं था या जिन रोल्स में दम नहीं था पैसों के लिए भी उन्होंने काम किया है ये पैसा ही था कि जब मुंबई में आए थे और प्रॉपर काम नहीं मिल रहा था तब अनु कपूर को चाय बेचनी पड़ी थी फ्राइड आइटम्स बेचने पड़े थे टिकट्स बेचने पड़े थे और फेक करेंसी नोट्स भी उन्होंने एक टाइम पर बेचे हैं लेकिन अनु कपूर को इंडस्ट्री में सर्वाइव करना था उन्हें पता था वो एक गरीब परिवार से आते थे उन्होंने अपने मदर फादर को भी स्ट्रगल करते देखा था इसीलिए उन्हें पता था कि अगर आपको कुछ पाना है तो ये सब स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा इसीलिए अनु कपूर तब से आज तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं हालांकि वो अपने स्ट्रगल का रोना नहीं रोते हैं या स्ट्रगल की कहानियां बताकर सिंपत्ति लेने की कोशिश नहीं करते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं कुछ समय पहले उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही थी जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी उन्होंने कहा था कि मैं कोई अमिताभ बच्चन नहीं हूँ मैं कोई सलमान खान नहीं हूँ मैं एक कैरेक्टर एक्टर हूँ और मुझे मेहनत करना है मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है तो प्रोफेशनली तो हमने अनु कपूर का काम बहुत देखा है और उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं अनु कपूर की पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और काफी टफ सिचुएशंस उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी हैं अनु कपूर की दो शादियाँ हुई अनुकपूर की पहली वाइफ का नाम है अनुपमा अनुपमा और कपूर की एज में तेरह साल का डिफरेंस था कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आने लगी, जिसके बाद अनु कपूर और अनुपमा अलग हो गए इसके बाद जिस दौरान अनु कपूर अंताक्षरी कर रहे थे तब इसी शो में उनकी मुलाकात हुई अरुणिता से और ये मुलाकातें लव में बदली और फाइनली अनु कपूर ने अरुणिता के साथ शादी कर ली इस शादी से दो में उन्हें एक बच्ची भी हुई जिसका नाम रखा गया आराधिता जहाँ अक्सर बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक चलता है वहीं अनु कपूर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लग गई क्योंकि अनु कपूर की वाइफ अरुणिता को पता चला कि अनु कपूर का शादी के बाहर अफेयर चल रहा है और वो होटल में किसी से मिलने जाते हैं अरुणिता ने जब पता करने की कोशिश की कि उनका पति उनकी गैर मौजूदगी में होटल में किस औरत से मिल रहा है तो वो ये जानकर शॉकड रह गई कि अनु कपूर तो अपनी पहली वाइफ जिसे वो डिवोर्स दे चुके थे यानी कि अनुपमा उससे छुप छुप कर मिल रहे थे ये वो पॉइंट था जब अरुणिता ने एक बहुत ही टफ फैसला लिया उन्होंने अनु कपूर के साथ डिवोर्स ले लिया इसके बाद 2008 में अनु कपूर ने फिर से अपनी पहली वाइफ अनुपमा के साथ शादी कर ली अनु कपूर को अपनी पहली बीवी से तीन बेटे हैं इस हिसाब से अनु कपूर की दो वाइफ हैं और चार बच्चों के वो पिता रहे अनु कपूर एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बेहतरीन डायरेक्टर भी है उनके डायरेक्शन की एक फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है अभय करके एक फिल्म बनाई थी 1994 में इस फिल्म को बेस्ट चाइल्ड फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था अनु कपूर इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं और आज भी अपने आप को एक स्ट्रगलर मानते हैं जब इंसान इतना ग्राउंडेड होता है तो उस इंसान के लिए कह सकते हैं कि वो इंसान बना है सिनेमा को बहुत कुछ देने के लिए वरना इस इंडस्ट्री में हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जो आते हैं काम करते हैं नाम बनते ही बस स्टार बन जाते हैं और नखरे दिखाने शुरू कर देते हैं इंडस्ट्री को देने के नाम पर कुछ नहीं देते लेकिन अनु कपूर जैसे एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में रहते हुए काम करते हैं और इस इंडस्ट्री को कला के रूप में बहुत कुछ दे जाते हैं अनु कपूर का कौन से फिल्म का कौन सा रोल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में उस फिल्म का नाम ज़रूर शेयर करें और किस आर्टिस्ट की बायोग्राफी आप जानना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर लिखें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ